हेलो गाइस, मैं हूं अरुण और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। ऐसा है कि झगड़े तो हम सबके घर में होते हैं, मूवीज़ के लिए झगड़े होते हैं, हर चीज़ के झगड़े होते हैं, तो मूवीज़ पे बात करते हैं। ऐसे मान लीजिए, सपोज़ कीजिए आप कोई मूवी देख रहे हैं, आपके फैमिली वाले कहे हमें भी देखना है और आप भी उनको साथ में मूवी दिखा रहे हैं। एक लोग को चलता है, दो लोग हाँ, 10 लोग हो तो कैसे दिखाओगे? देखिए, ऐसा है कि मेरे घर में ऐसे झगड़ा हो जाता है कि नहीं, 10 सेकंड आगे करो, 10 सेकंड पीछे करो, ये सीन हटाओ, ये सीन लगाओ। तो फिर ऐसा है कि चाहते तो हम सभी हैं कि हम अपने मन का ईद करें, तो फिर इसके लिए सॉल्यूशन ही मुश्किल है कि आप क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, उसमें भी टाइम जाता है, नेट जाता, नेट नहीं, आई मीन स्टोरेज जाता है, टाइम जाता है। तो फिर इन दोनों को बचाने के लिए आज मैंने कुछ बनाया आपके लिए, तो फिर यहाँ पे जो है मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ। तो ऐसा है कि हम लोग हैं जो है लैंड कनेक्शन का यूज़ करने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कि आपके आपको सिर्फ एक ही मूवी की जरूरत है, एक ही क्लिप चाहिए जो आपके लैपटॉप में हो। वो लैपटॉप जो है उस मूवी को होस्ट करेगा, सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, यानी कि लैप जो है उस मूवी को एज आ इंटरनेट पे दिखाएगा और आप जो है इंटरनेट से डायरेक्ट उसको देख सकते हो, वो भी ऑफलाइन बिना किसी नेट की मदद से। इसको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क सपोर्ट, लैन। लैन का यूज़ करके हम लोग डायरेक्ट देख सकते हैं बिना किसी नेट के। आपको करना क्या है कि किसी एक फ़ोन का आपके जो आपके पास जो भी नेटवर्क है उससे कनेक्ट हो जाइए, आप सभी एक ही नेटवर्क से कनेक्ट हो जाइए और आपका लैपटॉप भी उसी नेटवर्क से कनेक्ट हो जाए। फिर आपका लैपटॉप जो कनेक्ट है उसमें ये दो फाइल रहे और आप पे पाइथन इंस्टॉल रहे, और इसके साथ ही पाइथन अगर आपको आती है तो फिर ये चीज़ ज़रूरी है कि आप लिखे पिप इंस्टॉल। मेरे हाथ में माइक है तो टाइपिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आपको फ्लास्क को इंस्टॉल करना होगा, है ना? तो फिर फ्लास्क गलत लिख दिया मैंने, तो फ्लास्क के आगे मैं मुझे वो नहीं लगाना था, तो ये थोड़ा सा भी एरर दे देगा, तो कोई नहीं। तो फिर आपको करना क्या होगा कि आप जो है फ्लास्क को इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले फ्लास्क को इंस्टॉल करेंगे, देखिए मैं ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इसका सेकंड काम आपको क्या करना है कि मैं देख लेता हूँ कि मुझे कोई अदर उसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, नहीं अगर पड़ गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको बता देता हूँ मुझे और कौन कौन से मॉड्यूल की ज़रूरत है। तो फिर आपके पास स्किंटर सपोर्ट ठीक है, सारे के सारे इन बिल्ड मॉड्यूल है, सिर्फ फ्लास्क की एक एक्सटर्नल मॉड्यूल है, तो फिर इन दोनों का आप डिलीट मत कीजिएगा। तो फिर ऐसा है कि सबसे पहले तो आप इसको इसको रन करेंगे पाइथन की से, तो फिर ये पाइथन फाइल है, तो फिर ये एक किंटर जी वाई है, तो फिर सेलेक्ट वीडियो MP4 टू वॉच, आपके मैं पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए पहले ही बता दे रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे जो है कोई मूवी सेलेक्ट कर लेते हैं जो मुझे मूवी देखनी है, तो फिर बहुत सी मूवीज देखने मिल रही है लेकिन कॉपीराइट के कारण मैं एक स्टेटस सॉन्ग लगा देता हूँ, तो फिर जो है मैं चला देता हूँ ये। नहीं, ये वीडियो कॉपी हो गई। अब कभी कभी क्या होगा आपके साथ कि ये रिस्पॉन्ड नहीं होगा, आपकी वीडियो की जो जितनी बड़ी लेंथ होगी वो इस हिसाब से कॉपी करेगा, लेकिन अगर आप इसको बीच में ऐसे ही कुछ भी करते हैं ऐसे, जैसे कि अगर आपने विंडो को मूव करने की कोशिश की, तो फिर ये तुरंत ही कहेगा नॉट रिस्पॉन्डिंग, पर वो रिस्पॉन्ड करता रहता है, वो कॉपी में बिजी रहता है उसका थ्रेड, तो फिर वो GUI पे काम नहीं कर पाता, तो फिर आपका जो है मूवी कॉपी हो जाएगी, तो फिर ये अपने आप चलने लगेगा, ऐसे वीडियो कॉपी आ जाएगा। आप फिर से चेंज करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। इसके साथ सेकंड काम क्या करना है कि आपका जो ये पोर्ट है आप कुछ भी कर सकते हैं, 4000 और 999 भी, तो फिर मैं 5555 चूज कर लेता हूँ, सुनने में भी अच्छा लगता है ना। तो फिर मैंने भी पोर्ट सेलेक्ट कर चुका है। अब ये देखिए स्टार्ट सिनेमा सर्वर, इसका नाम है सिनेमा सर्वर, अरुण सिनेमा सर्वर, नाम तो काफ़ी अच्छा ही लग रहा है। तो फिर क्या करना है कि यहाँ पे आपको दो फोल्डर दिख जाएंगे, स्टैटिक के अंदर आपकी वीडियो पड़ी है, आप चाहे तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं, ये देखिए इसको आप डिलीट कर सकते हैं, और इसके साथ डिलीट तभी कीजिएगा जब आप देख चुके हैं ना। तो फिर आपको क्या करना है कि सबसे पहले वेबसाइट को होस्ट करना शुरू होगा। देखिए अब मैं कनेक्टेड हूँ अपने मोबाइल से और आपको नेट ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली आपको, लेकिन ये ऑनलाइन चलेगा लेकिन नेट के बिना। अभी मैं आप सबको दिखाता हूँ, मैं बताने ज़्यादा दिखाने में विश्वास रखता हूँ। तो ये स्टार्ट सिनेमा सर्वर कर देते हैं, और देखिए अब मेरा पोर्ट शुरू हो चुका है, यहाँ पे लिखा है विजिट HDTV 192.168.43.14 और 5555। तो फिर आपको क्या करना है कि जाना है अपने कोई भी ब्राउज़र में, तो फिर मैं जो हूँ खोल लेता हूँ इसको, इसको मिनिमाइज़ करेंगे हम लोग, और फिर ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो ये खुल चुका है और मैं अभी आपको दिखाता हूँ। शो विंडोज साइड बाय साइड करके ये देखिए ऑलरेडी कोई पोर्ट खुला था, शायद से नहीं, ये कोई और पोर्ट है, इसको एक बार रीलोड करके देख लेते हैं। तो ये अनेबल टू कनेक्ट आ चुका है, और अब हम लोग क्या करेंगे कि शो विंडो साइड बाय साइड कर देंगे, तो यहाँ पे कौन सी विंडो खुली है। अब आपको करना क्या है, आपको सिंपली करना ये है कि ये जो आप एड्रेस देख रहे हैं यहाँ पे आपको लिख देना है, तो यहाँ पे जो है 192.168
8.43, तो फिर वही है, पोर्ट जो है मेरा 555 है, 5555। ये देखिए, ऐसे आपको इंटरफेस देखने मिल जाएगा। अब देखिए एक्सेप्शन क्या है कि आपको अब एक ही कनेक्शन पे कनेक्ट करना रहेगा। तो फिर यहाँ पे जो है, अगर मैं अपने मोबाइल से इसको कनेक्ट किया हूँ और मुझे जिसमें देखना है अपने मोबाइल में, तो ठीक है, लेकिन अगर दूसरे को देखना है एक साथ, तो फिर उसको भी आपके मोबाइल से कनेक्ट होना पड़ेगा बिना नेट के, या फिर आप नेट से भी कनेक्ट हो सकते हैं, बिना नेट के भी सकते हैं, इसमें आपका कोई नेट नहीं चाहेगा। इस बात को नोट कर लीजिए। और हाँ, इंपॉर्टेंट नोट आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, इसको पढ़ना ज़रूरी है, जितनी भी बातें हैं इसमें सारी मैंने लिख दी हैं। तो फिर ये सब मैंने ही बनाया, तो फिर मुझे ही पता है। तो फिर वॉच योर फाइल, देखिए शुरू हो चुका है, यहाँ पे मेरी वीडियो देखने को मिल सकती है जो मैंने सेव की। तो फिर यहाँ पे जो है मेरा काम कर रहा है। अब देखिए, आप कहेंगे कि ये तो सिर्फ इसी में काम कर रहा है, लेकिन मैं आप जो हूँ अपने फ़ोन में आपको करके दिखाऊंगा। तो फिर अब मैं जो हूँ फ़ोन में आ चुका हूँ, और मैं ऑन करने वाला हूँ स्क्रीन रिकॉर्डर सिस्टम पे। ओके, तो फिर जो है मैं जो हूँ पोर्ट 555 पे शुरू करूँगा। तो फिर यहाँ पे आप स्क्रीन देख सकते हैं, और यहाँ पे जो है सबसे पहले 192.168.42.14 और पोर्ट क्या है मेरा 5555। और हाँ एक और बात, देखिए मैं जुड़ा हुआ हूँ, देखिए ये वन डिवाइस कनेक्टेड, और वेलकम टू अरुण सिनेमा सर, देखिए ऑन हो गया है, और ये वीडियो चल जागी जागी देखा। मैं एक्चुअली वॉइस कट कर देता हूँ, नहीं तो कॉपीराइट स्ट्राइक का बहुत खतरा होता है यहाँ पे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं दोनों को एक साथ प्ले करके दिखाता भी हूँ मैं। अब देखिए ये यहाँ पे भी ये प्ले होगा और यहाँ पे भी होगा, क्योंकि ये वेबसाइट हो स्टोरी है। ये देखिए इसमें भी प्ले हो रहा है और उसमें प्ले हो रहा है, ये मैं चाहते इसमें रोक सकता हूँ, उसमें नहीं रुकेगा। आपके पास पूरा कंट्रोल हो जाता है ना। तो फिर यहाँ पे आपके पास पूरा कंट्रोल आ गया। आप कहेंगे कि क्या पता कि पहले ही मैंने कोई वेबसाइट सेव करके रखी है ऑफलाइन, तो फिर आप खुद देख लीजिए, स्टॉप सिनेमा सर्वर मैंने कर दिया, इसको रीलोड करते हैं। आप देखिए, अब इसको भी रीलोड करके देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए कनेक्शन एरर दिखा दिया। अब आपको क्या करना है कि फिर से हम लोग ऑन करेंगे, फिर अपना जो फोल्डर मैंने मिनिमाइज़ किया है, तो फिर यहाँ पे जाके हम लोग फिर से शुरू करेंगे। यहाँ पे आपका वीडियो सेव हो जाता है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो फिर वीडियो बदल सकता हूँ। तो फिर यहाँ पे जो है मैंने वीडियो बदल दिया, पोर्ट को मैं रखूँगा 5555। तो फिर यहाँ पे जो है स्टार्ट सिनेमा सर्वर वापस कर दिया। देखिए वही है, अब मैं अगर रीलोड करूँ साइट को फिर से, ये देखिए एक और बार रीलोड करते हैं, तो फिर प्ले करके देखते हैं। तो फिर ये साइट तो यही चल रही है, क्योंकि शायद से मैंने होस्ट गलत किया, तो फिर इस पर रिफ्रेश मार के देखते हैं, शायद से मैंने वीडियो ही गलत कॉपी कर दिया है। तो फिर मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या चेंज हुआ है, और स्टैटिक में जाके देखेंगे। तो फिर यहाँ पे चेंज हो गया है, यानी कि वेबसाइट को फिर से मुझे लॉन्च करना पड़ेगा, है ना। तो फिर यहाँ पे जो है मैं फिर से लॉन्च करता हूँ, तो देखिएगा वीडियो चेंज हो जाएगी। फिर से हम लोग करते हैं, यहाँ पे देखिए अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, यहाँ पे आप डायरेक्ट वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। तो भी मैं जो हूँ उसी पोर्ट पे फिर से होस्ट करूँगा। स्टार्ट सिनेमा सर्वर कर दिया, और अब जो हूँ मैं एक नया टैब खोलूँगा और इस टैब को क्लोज़ कर दूँगा, और फिर से उसी URL में जाऊँगा, है ना। तो फिर 192.168, शायद से ही था, तो फिर 8000 की जो 555 है, ये देखिए। और यहाँ पे वीडियो वही देखने को मिल रही है, पता नहीं क्यों, शायद से वो मोजीला जो है, मोजीला ब्राउज़र की प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे प्ले करूँ तो शायद वीडियो चेंज हो चुकी है। तो फिर यहाँ पे भी वीडियो प्ले करके देख ही लेते हैं। तो फिर यहाँ पे पता नहीं कि ये रन नहीं हो रहा है, तो फिर एक बार साइट को रिफ्रेश करके देखेंगे। अरे यार, ये रिफ्रेश भी नहीं हो रहा। और वेबसाइट प्रॉब्लम है, ओ मेरा फ़ोन हैंग हो रहा है। हाँ ये देखिए ऑफलाइन है, और अगर मैं फिर से चलाऊँ तो फिर देखिए मोजिला की प्रॉब्लम है, मेरे कोई प्रोग्राम की प्रॉब्लम नहीं है, मोजिला ब्राउज़र की प्रॉब्लम है। तो फिर यहाँ पे जो है मैं वही करूँगा, फिर से 192 पे जाऊँगा, इसी वेबसाइट वापस जाएंगे। अब देखिए मैंने इसको फिर से क्लोज़ करके किया है, तो फिर अब भी वही प्रॉब्लम हुई पड़ी है, और मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ पड़ा है, लेकिन फिर भी। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि
अब हम लोग करेंगे क्या कि फिर से हम लोग सर्वर को स्टॉप करेंगे और फिर से रन करेंगे। इस बार क्या करेंगे, हम लोग दोनों फोल्डर को डिलीट कर देंगे और पोर्ट भी अलग कर देंगे, है ना? तो ही शायद से ये काम करेगा। हाँ काम तो करेगा ही, देखते हैं। तो फिर 4000 पे ही रहने देंगे हम लोग। वीडियो भी अब नहीं लेनी होगी क्योंकि अब देखिए, अगर आप वीडियो सेलेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? प्लीज़ सेलेक्ट वन वीडियो फर्स्ट, यानी आपको पहले एक वीडियो डालनी पड़ेगी। तो फिर फिलहाल मैंने इसको MP4 के लिए बनाया है, फ्यूचर में इसको सारे फॉर्मेट के लिए बनाऊंगा। तो फिर यहाँ पे जो है मूवीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक के कारण मैं कोई मूवी स्टार्ट नहीं कर सकता। आप मूवी आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर मैं अगेन जाऊँगा अपने ब्राउज़र पे और फिर सर्च करूँगा यही चीज़ वापस। तो यहाँ पे 5-5 की जगह मैं 4000 पे जाऊँगा। ये देखिए, और यहाँ पे शायद से चेंज हो गया है, यहाँ पे चेंज हो चुका है। और अगर मैं फिर से कट करके वीडियो प्ले करने की कोशिश किया तो और यहाँ पूरा वीडियो प्ले हो गया है। और यहाँ पे जो है सबसे पहले हम लोग जो है फिर से वेबसाइट होस्ट करेंगे। तो फिर यहाँ पे जो है आपको एक ही कनेक्शन पे रहना होगा। तो फिर यहाँ पे 5555 पे फिर से स्टार्ट करेंगे और फिर से मैं देखूँगा कि शायद से अब शायद से ठीक हो गया हो, तो फिर हम लोग जो है फिर से स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली ये उस साइट को सेव कर लेता है, इसकी प्रॉब्लम क्या है मोजिला की, यही है। यानी कि उस साइट को पूरा, देखिए उस साइट को पूरा ही चेंज सेव कर लिया है इसको, यानी कि ये डाउनलोडेड कर लिया है। अब यहाँ पे जो है कनेक्शन नॉट सिक्योर, परमिशंस, ब्लॉक ऑडियो, इसके साथ ही इसको जो है डिलीट करना पड़ेगा मुझे। तो फिर इसका ब्राउज़र का मुझे वही डिलीट करना होगा। तो फिर यहाँ पे जो है सबसे पहले तो अगर मैं टॉर ब्राउज़र में चलाने की कोशिश करूँ तो देख लेते क्या होता है। वैसे इतना तो काफ़ी है मेरे ख्याल से, आपको समझ आ गया होगा ये काम करता है अच्छे से। तो फिर ये मोजिला की प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। तो फिर उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये बहुत ही काम की वीडियो होगी आपके लिए शायद। आपको लिंक में मिल जाएंगे इन दोनों फाइल के, फाइल आपको लिंक में मिल आई मीन डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक मिल जाएगी आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।